सो राइट गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y20 डिवाइस के अंदर अल्ट्रा गेम मोड को आप कैसे यूज करेंगे एंड गाइज उस सेटिंग को आप कैसे ऑन करेंगे, तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड गाइज मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये जो सेटिंग है आपको फ़ोन के अंदर ही मिल जाएगी, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी की कोई एप्लीकेशंस वगैरह को इस्तेमाल या फिर डाउनलोड नहीं करना है। तो चलो हम बताते हैं कि कैसे आप अल्ट्रा गेम मोड को यूज़ कर सकते हैं, देन उससे कितने सारे फ़ायदे होने वाले आपको जब आप उसे यूज करेंगे। तो गाइज इस सेटिंग को करने के लिए सेटिंग ऑप्शन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा डिवाइस है, इसके अंदर हम देख सकते हो सेटिंग को ओपन कर लिए हैं। एंड गाइज इसके अंदर आपको अल्ट्रा गेम मोड का यहाँ पर एक ऑटोमेटिक यहाँ बाई डिफॉल्टली ऑप्शन मिल जाता है देखने को। बिकेस अगर आपके डिवाइस में ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो आपको सर्च बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे फ़ोन में दिख रहा है आपको भी सेम चीज़ें और सेम जगह देखने को मिलेगा ऑप्शन। अगर इनकेस अगर नहीं दिखता तो आप जो है सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस ऑप्शन को यूज कैसे करते हैं। यूज करने के लिए गाइज यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड पर यूज कर लेना है, और इसके जो अल्ट्रा गेम मोड का ऑप्शन है ये इसका एप्लीकेशन भी आता है थर्ड पार्टी का, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर एक जिसके फ़ोन में सेटिंग नहीं है उस पर एप्लीकेशन से आप अल्ट्रा गेम मोड कैसे करेंगे उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। सो फिलहाल गाइस हमारे पास जब ओपन करते हैं फर्स्ट बार, यहाँ पर इस तरह से एरो आता है, लाइक ऑप्शन आते हैं कुछ, और इसमें हमें कुछ काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, कुछ नहीं काफ़ी सारे मिलते हैं। एक गेम असिस्टेंट है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ए गेम असिस्टेंट क्या। इनेबल पॉपअप, यहाँ पर सो गेम, यहाँ पर रिलेटेड फंक्शंस एंड ऑप्टिमाइजेशन व्हेन द लॉन्चिंग अ गेम, तो दैट मींस ये कह रहा है कि जब हम गेम को लॉन्च करते हैं तो ये एक वहाँ पर इनेबल पॉपअप होता है, लाइक कि आपने गेम मोड को ऑन कर दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कट करते हैं, हम एक गेम को किसी ओपन कर लेते हैं, तो हम इस गेम को ओपन करते हैं, अभी यहाँ पर पॉपअप होगा अल्ट्रा गेम मोड हमारा। जैसे देख सकते हो मल्टी टर्बो आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है गेम असिस्टेंट जो हमने अभी आपको बताया, तो यही है वो, इसे हम कहते हैं गेम यहाँ पर पॉपअप, जो इनेबल पॉपअप है वही है। अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये नहीं आएगा, दैट मीन्स अगर हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं एंड दोबारा से हम इसी गेम को ओपन करते हैं, तो अभी देख सकते हो कुछ भी नहीं आ रहा है। इवन मैं इसके बैकग्राउंड को यहाँ से हटा देता हूँ, अब दोबारा से मैं यूज़ करूँगा तो अभी यहाँ पर कोई पॉपअप नहीं आएगा। अभी गाइज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ से उसे डिसेबल कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, उसे ऑन करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा एक फीचर्स है, हमें उसे इनेबल करके रखना चाहिए। इनकेस हम कोई गेम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमें चाहिए, कोल चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको जो है ऑन कर लेना, दैट्स राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा गेम साइड बार है, गेम साइड बार क्या होता है इसके बारे में हम भी अभी आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम और कुछ सेटिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स कॉल्स पे ब्लॉक नोटिफिकेशन रिजेक्ट कॉल डिसेबल ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्शन एंड ब्राइटनेस लो, यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रिवेंट डिजिटल टचेस दिख रहे हैं, टचेस इसमें क्या चीज़ें हैं, आखिर ये चीज़ें क्या कह रही हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसको ऑन कर दीजिए तो अब क्या होगा, बैकग्राउंड कॉल्स में हमें जो है कॉल जितनी आएंगी वो बैकग्राउंड में आएगी, दैट मीन्स कि अगर हमें कोई कॉल करता है तो यहाँ पर जो ये पैटर्न आपको ना हेडर पैटर्न ऐसे इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर वो कॉल्स आएंगी। अगर हम इसको रिजेक्ट कॉल कर देते हैं, यहाँ पर आके हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे रिजेक्ट कर देंगे तो हम जब भी कोई गेम रन कर रहे हैं या फिर कोई गेम को इन्जॉय कर रहे हैं तो वैसे केस में आपको कोई भी लाइक कॉल वगैरह नहीं आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको ना करते हुए आप जो है इस बैकग्राउंड कॉल वाले को ऑन कर लेना, इसको बैकग्राउंड में आएंगी कॉल, जिससे अगर कोई इमरजेंसी कॉल वगैरह हो तो आप वहाँ से हैंडल कर पाए उसे। तो अब हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ से तो हमने इसको ऑन कर लिया, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना कि कौन सी सेटिंग आपको चाहिए गेम खेलते समय या फिर कौन से ऑप्शंस को आप नहीं यूज़ करना चाहते। तो अब हम चलते हैं गेम में, गेम में आपको मैंने साइड बार बताया था जहाँ से भी आप हैंडल कर सकते हो उसको, तो मैं यहाँ से कट करता हूँ एंड गेम मोड को हम ओपन कर लेते हैं। गेम को अपना ऐसे कैंडी क्रश ही हमारा है, तो हम सबसे पहले यहाँ से इसको हटा देते हैं एंड मैंने ऑन कर दिया था टर्बो का, यहाँ पर जो साइड बार मेन्यू है उसको मैंने बताता था एक्सेस, यहाँ पर गेम असिस्टेंट इसको मैंने बताया था अभी ऑन करने के लिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं, अगर यहाँ से हम डू नॉट रिमाइंड कर देंगे तो ये मुझे आगे से शो नहीं करेगा, लेकिन हम चाहते हैं ये चीज़ें हमें शो हों तो हम इसको कन्फर्म करेंगे। और गाइज अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साइड बार जो मेन्यू था हमारा यहाँ पर, इससे हम तरह साइड करेंगे तो देख सकते हो बैकग्राउंड कॉल को हमने इनेबल किया है, तो ये तो बैकग्राउंड कॉल आने वाली ही है। एंड अगर हम चाहते हैं ब्लॉक नोटिफिकेशंस करना, ब्लॉक नोटिफिकेशन फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं तो नोटिफिकेशन जो आएंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे।
एंड रिजेक्ट कॉल हम ऑन कर देते हैं तो कॉल्स आएंगी तो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो दैट मीन्स हम मिला जुला के ये बात करें कि जितने सारे ऑप्शंस हैं, अगर बैकग्राउंड में कॉल आ रही है आप उसको नहीं चाहते बैकग्राउंड में आए तो आप उसको इनेबल कर डिसेबल कर दीजिए, अगर चाहिए आपको तो उसको इनेबल कर दीजिए और आप यहाँ से इसे हैंडल कर सकते हैं इस साइड बार मेनू से। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा फीचर है इसके अंदर ये, और इसे आपको यूज़ करना चाहिए डेफिनेटली गाइस। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं यूनिक हैं, जो आपको गेम में कोई डिस्टर्बिंग ना हो या फिर नोटिफिकेशन वगैरह को आप क्लोज़ या फिर कह सकते हो ऑन ऑफ कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है जो करना चाहें कर सकते हैं। एंड गाइस बस यही थी वीडियो, होपफुली आपको समझ में आएंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपके अंदर, कन्फ्यूजिंग हो, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, कॉमेंट ज़रूर कर देना। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फ़ोन के ऊपर इस गेम मोड के बनाने के वीडियो, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, जरूर गाइज उसके लिए कमेंट करना। एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।